स्वागत है आज की संध्या में। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कला ऋषि बाबा योगेंद्र राष्ट्रीय बहुभाषीय नाट्य समारोह में। यह नाट्य समारोह अपस्टेज आर्ट ग्रुप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 7 से 13 तारीख तक इसकी प्रस्तुति रोज यहाँ मेघदूत सभागार में होती रहेगी और 13-14 को NSD सम्मुख में आप हमारे 2 नाटक और देख पाएंगे। हमारी संस्था दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो पूरे भारत में भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार के लिए काम करते रहते हैं। हम रंगमंच प्रस्तुतियाँ, लोक नृत्यों की प्रस्तुतियाँ और साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों के साथ युवाओं की भागीदारी
जैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हम अपने प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए पूरे भारत में कार्यशाला, सेमिनार, थिएटर प्रस्तुति और रंग महोत्सव आयोजित करते रहते हैं। हमारी संस्था नपस्तीज आर्ट ग्रुप विगत 22 वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अग्रणी भूमिका निभा रही है। संस्था संस्कार भारती के संस्थापक कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र की स्मृति में 8 दिवसीय बहुभाषीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन कर रही है। लगभग 700 से ज़्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। इस समारोह में रोज अलग अलग भाषाओं के नाटक जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, छत्तीसगढ़ी आदि के नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। संस्कार भारती के संस्थापक कला ऋषि बाबा योगेंद्र ने कला के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम किया, कला से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को एक किया और कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। उनके इसी योगदान को देखते हुए वर्ष 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि भारतीय कला और संस्कृति दुनिया भर में फले फूले। आज हमारा दिन डिवोटेड है टू द स्टेट उत्तर प्रदेश। हमारे बीच दर्पण गोरखपुर की प्रस्तुति होगी, जो कि प्रस्तुत करेंगे नाटक दीक्षा। उससे पहले रामकथा की प्रस्तुति होगी। मैं आपको दर्पण गोरखपुर के बारे में कुछ चंद शब्दों में आपको बयां करना चाहूँगी। कानपुर दर्पण के संस्थापक प्रोफेसर सत्यमूर्ति की उपस्थिति में दर्पण गोरखपुर की स्थापना 1976 में तत्कालीन आकाशवाणी के निर्देशक आई के गुड्डू के निर्देशन में मंचित नाटक पगला घोड़ा से हुआ, जिसमें रंगमंच एवं आकाशवाणी से जुड़े अनुभवी कलाकार सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से लखनऊ दर्पण से आए अनिल मल्होत्रा, गोरखपुर के संत श्रीवास्तव, दीप शर्मा, अजीत श्रीवास्तव, अशोक महर्षि, काकोली दास, पीयूष कांत अलग आदि कलाकार दर्पण से जुड़े हैं। वर्ष 1978 में लखनऊ से आए उर्मिल कुमार थपलियाल के निर्देशन में अबू हसन नाटक, 1983 में एनएसडी के हाफिज खान के निर्देशन में कहानियों का मंचन और संत श्रीवास्तव, अनिल मल्होत्रा, दीप शर्मा ने क्रमशः किसी एक फूल का नाम लो, घासीराम कोतवाल, ऑक्टोपस आदि नाटकों का मंचन किया। पिछले 5 वर्षों से संस्था के 3 नाटक यही वही, रश्मि रथी, अंधा युग आदि नाटकों का हर वर्ष 5 से 7 प्रदर्शन विभिन्न देशों में होता रहता है। गुवाहाटी, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, मुंबई, लखनऊ, बनारस, बेगूसराय आदि शहरों में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 8वां थिएटर ओलंपिक के अंतर्गत मुंबई में रश्मि रथी का प्रदर्शन किया गया। संस्था द्वारा वर्ष 2017 में बीएनए से आए श्री मनोज शर्मा के निर्देशन में लगभग 40 कलाकारों के लिए 1 माह की रंगमंच कार्यशाला भी आयोजित की गई। आज का जो नाटक दीक्षा है वो एक उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली जी। दीक्षा उपन्यास में राम की पौराणिक कथा के माध्यम से कोहली जी ने वर्तमान समाज के अनेक संदर्भों से पाठकों को रूबरू करवाया है। राम और उनके जुड़े प्रसंगों के माध्यम बनाकर उपन्यासकार ने जिस कथा को पाठकों के समक्ष बयां किया, वो कथा वर्तमान आधुनिक समाज की एक सच्ची तस्वीर को खींचती है। दीक्षा उपन्यास में समकालीन शोषण को व्यक्त करने के लिए विश्वामित्र और अन्य ऋषियों का के चिंतन का सहारा लिया गया है। साथ ही साथ उपन्यास में कोहली जी ने जिस अहिल्या के पौराणिक प्रकरण को वर्णित किया है, वह अहिल्या वर्तमान भारत के प्रत्येक समाज में उपस्थित है। आज के आधुनिक समाज के चित्र को प्रस्तुत करता है। आधुनिक समाज के जिस रूप को कोहली जी ने अपनी आंखों से देखा, उसे नाटक के माध्यम से आज दर्पण गोरखपुर आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इस नाटक के निर्देशक हैं आलोक चैटर्जी सर, जो आज तो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका बहुत मन था आने का, उनकी ट्रेन डिले हो गई, बट हम सर आपको बहुत यहाँ मिस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको इस नाटक की प्रस्तुतियों की बहुत सारी शुभकामनाएं आप तक पहुँचें। हमारे बीच आज की संध्या में
हमारी आज की प्रस्तुति देखने आए हैं। हमारे बीच हैं एक्स डीन प्रोफेसर शांतनु बोस जी, हम उनका स्वागत करते हैं। आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं देश के ख्याति प्राप्त रंगकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक अवतार सहानी जी, संस्था आपका भी स्वागत करती है सर। हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं संस्कार भारती नाट्य विधा के पूर्व संयोजक श्रीमान रविशंकर खरे जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं। मैं हमारे सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया मंच पर आए और हमारा दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का आरंभ करें। अब स्टेज ग्रुप की अध्यक्षा से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारे अतिथियों का सहयोग करें। आज हमारे बीच हमारे अपस्टेज की सचिव जी भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि कृपया वो भी मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन करें। मैं मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर बने रहें। हम चाहेंगे कि हमारी अध्यक्षा एवं सचिव प्लांटर देकर हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। मैं चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें और हम आज की पहली प्रस्तुति का मंचन करें। पहली प्रस्तुति राम कथा आपको दर्शित कराएगी पूरे 5 मिनट में, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने सेल फोन वगैरह एयरप्लेन मोड पे डाल दें, क्योंकि उसके जस्ट बाद हम हमारी नाट्य प्रस्तुति आरंभ करेंगे। कृपया अपने फोन वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पर डाल दें और इस पूरी प्रस्तुति का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। रामायण की, राम सीता के प्रेम की, बुराई पर अच्छाई की जीत की।
रघुवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम, अयोध्या पति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम। राम की जीवन संगिनी बनकर आई, उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ की खाई। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया, सिया राम लखन को 14 बरस का वनवास दिलाया। का हृदय राम पर आया, पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूप रखा अपने असुर रूप में आई, बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। सीता मैया को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया, तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन, साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। भूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम, गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। अब हम शुरू करेंगे हमारी नाटक की प्रस्तुति दीक्षक की। मैं आशा करती हूँ आप सब ने अपने फ़ोन्स साइलेंट या वाइब्रेशन पर डाल दिए होंगे। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है आप सबके समक्ष नाटक दीक्षा।
हम अपना पशु बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पुनर्वसु? क्या हुआ नक्षत्र को? नक्षत्र की निर्मला और सुकंठ मार्ग दिखाओ बस। अब सीखा है। मारे गुरुदेव। मार्ग दिखाओ मुझे। ये सब कैसे हुआ बस? यदि बोलने में पीड़ा हो रही है तो रहने दो। नहीं गुरुदेव, जो देखा उससे अधिक कष्ट बताने में there।
चक्कर के जीवित शरीर को नखों और दांतों का उसी तरह डोसते हुए देखा जैसे जैसे केक पास कर लो हाथ में डोसते शांत हो जाओ बस शांत हो जाओ तुमने बहुत पीड़ा सही है बस बहुत पीड़ा सही है ये सब मेरे उत्तम हीनता का परिणाम है मैं जानता हूं कि तुम सब मेरे आश्रित हो मुझ पर विश्वास करके यहां आए हो तुम्हारी व्यवस्था और रक्षा मेरा कर्तव्य है पर मैंने ही तुम लोगों को असुरक्षित रख छोड़ा पर मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये आश्रम शमशान बन जाएगा शमशान देखा राक्षसों का नक्षत्र की देह अत्यधिक सत्यक्षत हो गई यदि आपकी आज्ञा हो तो शीघ्र ही इसका संस्कार संस्कार के पश्चात आप आश्रम से सटे सभी ग्रामों में जाएं चाहे वो निषादों के हों भीलों के और शबरों के और जाके उन्हें इस घटना की सूचना दें और उनसे कहें तपस्वियों के लिए राक्षसों से लड़ना संभव नहीं है वो आत्मबल उनमें नहीं है इसलिए आश्रम की सुरक्षा की व्यवस्था करें अन्यथा हमें किसी अन्य राज्य का अवलंबन लेना पड़ेगा जो आज्ञा बोले राक्षसों से समझौता कर लूं या अपने सारे शस्त्र ज्ञान राक्षसों को सौंप कर शुक्राचार्य बन जाऊं इस आश्रम को आर्य संस्कृति की जगह राक्षस संस्कृति का गढ़ बन जाने दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या सोच रहे हो विश्वामित्र हर बार केवल तुम सोचते ही रहते हो परंतु करते कुछ भी नहीं अत्याचार की बलि वेदी पर आखिर कब तक इन भोले भाले निर्दोषों की बलि चलती रहेगी विश्वामित्र ये राक्षस कब तक आश्रमवासियों के साथ रब और मांस का खेल खेलते रहेंगे और आखिर कब तक तुम अपने कर्तव्य और दायित्व से मुख मोड़ के लोगे विश्वामित्र को चुनौती मत दो मेरी सहृदयता और करुणा को कायर मत समझो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हूं मैं विश्वामित्र
नर्वस हूं। आप क्या गुरुदेव? अजान बाहों के आने की कोई सूचना? अभी नहीं गुरुदेव। संध्या से रात्रि होने जा रही है, परंतु अभी तक अजान बाह नहीं आए। गुरुदेव वे आ रहे हैं, गुरुदेव अजान बाहू आ गए। क्या हुआ मनिवर, क्या समाचार लाए? प्रणाम आई कुलपति। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके मुखमंडल को देखकर यह परिलक्षित होता है यात्रा के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार सिद्धाश्रम के समीप सभी ग्राम प्रमुखों से मिला, उन्हें आज के इस दुर्घटना की सूचना भी थी। तो फिर क्या उत्तर दिया उन लोगों ने? वो उत्तर ही तो नहीं देते हैं गुरुदेव, बस मौन होकर सब सुनते रहते हैं, फिर दीर्घ निश्वास छोड़ शून्य में घूरने लगते हैं। और जब उन्हें ज्ञात होता है कि यह कृत्य राक्षसों द्वारा है और वो तारका के शिविर से है, तो कुछ करने की अपेक्षा और अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं गुरुदेव। नृशंसता के कारण जनमानस का भीरु हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण और सोचनीय है मुनिवर, सोचनीय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव, यदि ऐसा ना होता तो इन राक्षसों का इतना अत्यधिक साहस नहीं होता। अरे कुलपति, हम आश्रमवासियों में अभी भी आपके बल और तेज है जिससे हम राक्षसों का प्रतिकार करने में सक्षम हैं, अन्यथा आश्रम के बाहर तो स्थिति यह है कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ये राक्षस किसी को भी पीट लेते हैं, उनका धन छीन लेते हैं, उनकी महिलाओं का हरण करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं। तो फिर जनमानस क्या करता है? जनमानस तो बस खड़ा खड़ा सब कुछ देखता रह जाता है गुरुदेव। जनमानस मानो सामाजिक रूप से संवेदनहीन हो गया, भावना शून्य कायर और जड़वस्तु हो गया। जिसके ऊपर दिखती है बस वही भुगतता है, और शेष प्रत्येक व्यक्ति इस घटना से उदासीन होकर स्वयं को बचाता हुआ सर निकल जाता है गुरुदेव। इससे अधिक सोचनीय स्थिति और क्या हो सकती है? न्याय पक्ष भीरू और दुर्बल, अन्यायी पक्ष दुस्साहसी शक्तिशाली और उच्च श्रृंखल हो गया है। ये स्थिति अत्यंत हितकर है मुनिवर, अत्यंत हितकर है ये स्थिति। अच्छा, आप सेनानायक के पास भी गए थे ना? क्या बातचीत हुई उससे? सेनानायक से बातचीत तो हुई है, परंतु वो अपने सैनिकों को कोई निर्देश देगा मुझे इसमें संशय है। क्योंकि सेनानायक बहुराष्ट्र को आज ही बहुत सारे उपहार मिले, सोने के आभूषण, विशाल मंदिरा भान, इन सब के साथ साथ उसे सुंदरी दासियां भी दी जाने वाली है गुरुदेव। ये उपहार उसको किसने दिए होंगे? और कौन देगा गुरुदेव, कौन देगा? तारका के शिविर के राक्षस और कौन? जब मैं वहां गया तो मुझे अत्यधिक समय तक वहां रुकना पड़ा था, क्योंकि राक्षसों का एक प्रतिनिधि इसका दरबार वहां पहले से ही था। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये राक्षस बिना युद्ध के भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि शासन प्रतिनिधि सेना सबके रहते जो चाहे मनमाना अपराध कर ले, और उसके प्रतिकार के लिए शासन प्रतिनिधि के पास उपहार दे दे, उसके अपराध का परिमार्जन हो जाएगा। ये कैसा मानव समाज है, किन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं? ये तो सभ्यता संस्कृति से दूर हिंसक पशुओं से भरे किसी विभिन्न में जीने के समान है। बस यही नहीं गुरुदेव, आपने मुझे निषाद ग्राम जाने को, वहां जाकर मैंने जो कुछ भी देखा और सुना अपनी बात मैं कह नहीं पाया गुरुदेव। ऐसा क्या देखा आपने वहां जाकर? एक दिन पूर्व सेना नायक के अधीनस्थों ने निषाद ग्राम में जाकर वृद्ध निषाद प्रमुख की महिलाओं के साथ पूरे समाज के सम्मुख अत्यंत पैशाचिक कृत्य किया गुरुदेव, अत्यंत पैशाचिक कृत्य किया। तो गहन के दोनों युवा पुत्र कहाँ थे? वो दोनों अत्यधिक कुंठाग्रस्त हो गए थे गुरुदेव, इसलिए मैं आपके बिना अनुमति के निषाद परिवार को यहाँ लेकर आया। मुनिवर, मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ। जो आगे गुरुदेव, उन्हें बसो, निषाद परिवार को यहाँ लेकर आया। खैरिये मुनिवर, गहन के पुत्रों को बुलाई है और परिवार के रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव, गहन पुत्रों को लेके आया। जो आज्ञा।
आज्ञा। हिंसा के कारण हम कुछ कर नहीं सके, परंतु तुम दोनों तो युवा हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया? अरे तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया पुत्र? हो याद रखना, दलितों का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने किए अत्याचार का प्रतिरोध नहीं करेंगे। हमें बचपन से ही हिंसा का पाठ पढ़ाया गया है और किसी रूप में हिंसा को महापाप बताया गया है। यदि हम इन सब बातों को विस्मित कर उनके सम्मुख खड़े होने का साहस भी करते तो मैं गांव के प्रत्येक महिलाओं के साथ वही कुकर्म करते गुरुदेव, और पूरे गांव को अग्नि में जलाकर जाल कर दिया जाता। फिर एक भी पुरुष जीवित ना बचता गुरुदेव, एक भी पुरुष जीवित ना बचता गुरुदेव। जब शासक प्रतिनिधि राज्य से कृत करेगा तो न्याय की अपेक्षा किससे की जाए, और आप जैसे ऋषि जब उनका कुछ नहीं कर पाए तो हम तो आपकी चरणों की रज भी नहीं है गुरुदेव। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। तुमने सत्य कहा, ब्रह्मर्षि बनने की आकांक्षा में हमने अनासक्ति के चरम को अपना लिया। समाज से इतने दूर हो गए कि संज्ञा शून्य हो गई। परंतु याद रखना पुत्रों, इन आताताइयों के प्रति पलने वाली घृणा को हमें पोषित करना होगा। हमें कभी इनका संहार होगा। अजान बाबू, आज्ञा गुरुदेव। मेरे अयोध्या जाने की व्यवस्था है। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरे जाने के पश्चात आश्रम की देखभाल आप करेंगे। मुझे बस उसी राजधर्म की चिंता है। रघुवंशी परंपरा ने जिस राजधर्म को निभाया है वो राजधर्म
धर्म तो रघुवंश के रक्त में समृद्ध है। जो राजधर्म आज तक निभाया गया है वो राजधर्म संभवतः रघुकुल परंपरा ने विशेष रूप से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए न कि प्रजा के कल्याण हेतु। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रजा के बीच जाना चाहिए। महाराज आप स्वयं प्रजा के मध्य जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए, उनके मन के बात को जानने का प्रयास कीजिए। महाराज की जय हो। द्वार पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे। ज्ञान के तपोली थी स्वयं द्वार पर आए तो राजर्षि को उन्हें पढ़कर के स्वागत करना है। आप उनका अभिनंदन करें। वो आज्ञा तुम्हारे राज्य में धन धान बंधु बांधव मंत्री प्रजा सभी सुखी तो हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अधीन तो हैं। राज्य में यज्ञ आदि देवकृत अति सेवा मानव सेवा सब संपन्न हो रहा है ना? सब आपकी कृपा है ईश्वर। आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं कुछ मांगने आया हूँ राजन, बोलो दोगे? अवश्य। प्रतिश्रुत होते हो? मैं क्या करता हूं? तो सुनो राजा, अयोध्या के दक्षिण में क्या हो रहा है संभवतः इसका ज्ञान तो तुम्हें होगा ही। सब कुछ कुशल है, किंतु यदि चिंता की कोई बात है तो आप मुझे उससे अवगत कराएं, मैं उस समस्या के समाधान का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आर्यावर्त की यही विडंबना है महाराज दशरथ। संपूर्ण आर्यगण समझते हैं कि यहां सब कुछ कुशल मंगल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दक्षिण के राक्षस समुदाय संपूर्ण आर्यावर्त में अपने अग्रदूत भेज दिए। वे स्थान स्थान पर जाकर सैनिक शिविरों के माध्यम से राक्षसी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। सामान्य प्रजा में भी उनके प्रति भय व्याप्त है राजन। तो हमें क्या करना चाहिए? आप आज्ञा करें, हम प्रजा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। वही बताने आया। तो सुनो राजन, अयोध्या के दक्षिण में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है। वो सामान्य प्रजा पे अत्याचार तो कर ही रहे हैं, हम ऋषि मनीषी को भी बहुत कष्ट दे रहे हैं। वो हमें यज्ञ नहीं करने देते। जब भी कभी हम यज्ञ करते हैं तो उसमें मांस का टुकड़ा और दूषित वस्तुएं फेंकने लगते हैं। आप निश्चिंत रहें राजन, मैं अभी अपनी समस्त सेना को अयोध्या के दक्षिण दिशा में कूच करने का आदेश देता हूं। वो वहां जाकर उन आतताइयों का समूल विनाश कर देगा। यह तुम्हारी दूसरी त्रुटि होगी राजा। दूसरी त्रुटि? हाँ, दूसरी त्रुटि। पहली त्रुटि यह कि तुम समझते हो कि सब कुछ यहाँ कुशल मंगल है, और दूसरी त्रुटि तुम समझते हो कि सेना भेज देने से राक्षसों का निर्मूल नाश हो जाएगा। ऋषिवर, हमारे सेना नायक आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। महाराज दशरथ, सेना नायक की सहायता मिल गई होती तो तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा नहीं होती। आप अपना वक्तव्य कहें ऋषि। राजन, कर्तव्य पालन सबकी क्षमता नहीं होती। सेनानायक कितना कर्तव्य पालन कर रहा है संभवतः इसकी सूचना राजधानी तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मैं आपसे विशेष मांग लेकर आया। क्या करें? मैं महाराज दशरथ से पूछ रहा हूं, रघुवंश के उत्तराधिकारी से। एक बार आप कहकर तो देखिए।
सुनो राजा, यज्ञ रक्षा और राक्षसों के संहार के लिए मुझे राम चाहिए। किंतु ऋषिवर, वो तो अभी बालक है, एक बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? नहीं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। अज पुत्र दशरथ में जब तक प्राण शेष रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर कोई आंच ना आने पाएगी। किंतु राम, हम तो अभी अल्पवय, युद्ध के दांव पेच नहीं समझता, उन आतताई असलों का सामना कैसे करेगा? नहीं, मैं राम को नहीं दे सकता। क्षमा क्षमा ऋषिवर। बस राजन, बस। कर्म आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, उसे निभाना दूसरी बात है। यज्ञ रक्षा के लिए तुमसे राम मांगने आया था, नहीं दे सकते तो तुम्हें प्रणाम है। आर्यावर्त के किसी अन्य राजा से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना करूंगा। वचन देने के लिए इतने आतुर थे, जब उसे पूरा नहीं करना था तो वचन दिया क्यों? याद रखना, वचन देने की तुम्हारी ये आतुरता एक दिन तुम्हारा सर्वनाश करेगी। ये तो मेरी मति मारी गई थी, जो इतनी बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास चला आया। जाते जाते तुम्हें बता देना चाहता हूं, प्रजा की रक्षा करना, उन पर उपकार करना नहीं तुम्हारा कर्तव्य है राजन। और याद रखना, कुशिक नंदन विश्वामित्र में इतना सामर्थ है कि तुम्हारे जैसे अनेक सम्राटों का निर्माण कर सकता हूं। किसी योग्य को दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर सम्राट दशरथ बना सकता हूं। मैं अभी प्रतिज्ञा करता हूं। शांत शांत कुशिक नंदन, आप असंग्रह ऋषिवर, महाराज दशरथ का वक्तव्य आपको मना करना नहीं था, सिर्फ पुत्र मोह था। ऋषिवर, मैं राम आपको सौंपता। गुरुदेव, जो आप दोनों गुरुओं की आज्ञा है, फिर तुम श्रेष्ठ, मेरा यह निवेदन है। कहो राजा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा, ये दोनों कभी एक दूसरे से पृथक नहीं हुए। राम और लक्ष्मण मेरे प्राण है, आज मैं इन्हें आपको सौंपता हूं। कार्य सिद्धि के उपरांत तुम्हारे दोनों पुत्रों को सकुशल तुम्हें वापस लौटाऊंगा, ये वचन देता हूं। आर्य सुमंत। क्या महाराज? दोनों राजकुमारों को सभा में उपस्थित होने का आदेश। द्वारपाल, कुमार राम और लक्ष्मण को सभा में उपस्थित किया जाए। विश्वामित्र, तुम दोनों को अपने साथ अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने आए। प्रणाम करो पुत्रों। सिद्धाश्रम के तेजोमय ब्रह्म ऋषि, मैं राम आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। आओ कर्तव्य के
हुआ तो अब तुम सब जा सकते हो। आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, तुम उचित व्यवस्था करो। राम, तुम्हें रस से उतार कर पदार्थ चलाने का मेरा एक निश्चित उद्देश्य है पुत्र। मैं चाहता हूं कि तुम जनमानस की पीड़ा को देखकर उसका अनुभव कर सको। गुरुदेव, आसन लगा दिया है? आओ। आसन लक्ष्मण, तुम थक तो नहीं गए पुत्र? गुरुदेव, मेरी माँ कहती है कि सौमित्र को थकने का कोई अधिकार नहीं है। सौमित्र का जन्म ही पाप रूपी अंधकार को मिटा डालने के लिए हुआ है। ऐसा कहती है देवी सुमित्रा? हाँ गुरुदेव, माता सुमित्रा भी स्वयं पवित्र अग्नि से कम नहीं है। वो तेजस्वनी एवं निष्पाप। धन्य है देवी सुमित्रा, धन्य। राम, मैं तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यदि तुम मेरी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरोगे तो तुम दोनों को मैं अपने साथ सिद्धाश्रम नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें यहीं से वापस लाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं। बस, चिंतन जब सीमित और बद्ध हो जाए तो विचार रूपल हो जाता है। तुम्हें अपने सीमित वृत्त से निकलकर व्यापक वृत्त में आना होगा। बुद्धि विलासी, सत्ता कोमल और भीरु हो जाए तो अत्याचार स्वयं बलवती होने लगता है। वर्तमान का समय कुछ ऐसा ही है। देश शक्ति विलासता में नष्ट हो रही है। आर्य राजाओं के बीच मतभेद है। ऋषि मनीषी अपना पेट पालने में व्यस्त हैं, इसीलिए अत्याचारी शक्तियां दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही हैं। गुरुदेव, कौन है ये न्यायी अत्याचारी शक्तियां? ताड़का, मारीच या सुबाहु? तुम्हारा उत्साह मुझे अस्वस्थ करता है। तुमने भयभीत होना नहीं सीखा, अन्यथा इन राक्षसों के नाम सुनकर आर्यावर्त के बड़े बड़े राजा भय से पीले पड़ जाते हैं। पुत्र, ताड़का, सुबाहु, मारीच तो मात्र शाखाएं हैं, जड़ तो रावण है जो लंका में बैठकर संपूर्ण आर्यावर्त में अपने सैनिक शिविर स्थापित कर राक्षसी गतिविधियां संचालित कर रहा है, हमारी आर्य संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट कर रहा है। पुत्र, क्षमा करें, परंतु आप रावण के सैनिक अभियान को अत्याचार क्यों कह रहे हैं? आर्य राजा भी तो सैनिक अभियान करते हैं। क्या अश्वमेध यज्ञ सैनिक अभियान नहीं? क्या यह अनावश्यक हिंसा नहीं? राघव, तुम मेरी अपेक्षाओं के खरे उतर रहे हो। तुम उदंड नहीं, उच्च श्रृंखल नहीं, परंतु अपने से बड़ों की बातों को बिना कसौटी पे कसे स्वीकार भी नहीं। बात हिंसा हिंसा सैनिक अभियान की नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे कार्य के मूल में कौन सा दर्शन कार्य कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा न्यायपूर्ण शासन, प्रजा की रक्षा, उनके सुख दुख के दायित्व का वचन देता है। छोटे छोटे राज्यों पे बड़ी शक्ति स्थापित कर संपूर्ण देश में एक संतुलित न्याय व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। परंतु रावण के सैनिक अभियान के पीछे मात्र उसका सुख विलास, अन्याय अत्याचार स्थापित करना मान है। क्षमा करें, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अवश्य अवश्य पूछो। गुरुदेव, ऋषि मनीषी शांत स्वभाव, हिंसा हिंसा से दूर तपस्यारत एकांत वनों में रहते हैं, परंतु गुरुदेव आप उनसे भिन्न हैं। राम,
मैं कच्छप वृत्ति अपनाकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। मैं जानता हूं राम, युद्ध किसी को प्रिय नहीं है। शांति प्रिय व्यक्ति तो इससे घृणा करता है, परंतु कभी कभी जीवन में युद्ध, संघर्ष, विरोध अनिवार्य हो जाते हैं राम। अन्यथा अन्याय, अत्याचार, विरोध, शोषण मुखर होने लगते। गुरु जी, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अन्याय का विरोध, किसी भी मूल्य पे अन्याय का विरोध राम, अन्याय का विरोध। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य न्याय का पक्ष लेकर अन्याय का विरोध करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग सामान्य जन के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दूंगा। गुरुदेव, आज से मेरे जीवन का यही लक्ष्य होगा। गुरुदेव, भैया के वचन रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व जीवन आहूत कर दूंगा। कल्याण हो पुत्रों, कल्याण। ये ध्वनि कैसी है? राम, संभवतः ये ताड़ता है। Thank you.
किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ताड़का के मृत्यु के बाद राक्षस आश्रम पे रात में आक्रमण करेंगे या नहीं, वैसे भी रात्रि उनके प्रकृति के अनुकूल है, परंतु इसका दूसरा पक्ष भी है। संभवतः वह ताड़का वध से भयभीत होकर किम कर्तव्य मूल हो योजना बनाकर प्रातः आश्रम पर आक्रमण करें। गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, राक्षसों का आक्रमण चाहे रात्रि में हो या प्रातः, आश्रम और आश्रम वासियों का लेश मात्र भी क्षति नहीं पहुंचाता। मैं आपको वचन देता हूं, प्रश्न ये नहीं कि राक्षस का आक्रमण करें, प्रश्न ये है कि वो किस घड़ी मरना चाहते हैं उसी क्षण आक्रमण करेंगे। तुम्हारी वीरता और शौर्य पे मुझे पूरा विश्वास है, परंतु इस युद्ध में मैं आश्रम वासियों को तैयार करना चाहता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं और लक्ष्मण ही राक्षसों के लिए पर्याप्त है। क्यों लक्ष्मण? हाँ गुरुदेव, पर्याप्त तो भैया राम अकेले ही हैं, किंतु भैया के संग में मुझे भी कुछ राक्षसों का संहार करने का अवसर मिल जाएगा। राघव, तुम्हारे कथन पे मुझे तनिक भी संदेह नहीं, किंतु तुम्हारे और लक्ष्मण के युद्ध लड़ने से मुझे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। बिना आश्रम वासियों की सहायता से अगर इस युद्ध में तुम राक्षसों को पराजित कर दोगे तो हमेशा ये संकट काल में असहाय बनकर सहायता की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इस युद्ध में इनका साथ लेकर इनके आत्मविश्वास को लौटाना होगा। राघव, न्याय के प्रति खोई इनकी आस्था और निष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करना। आपकी इच्छा वश हो, मैं नहीं चाहूंगा कि राक्षसों के उपरांत बहुलाश्व जैसे राक्षस प्रजा की अस्थियां चढ़ें। आपको विश्वास हो चुके सामान्य जन में विश्वास भरने का पूरा प्रयत्न करूंगा, युद्ध में यही मेरे सहायक होंगे। आप यज्ञ की तैयारी करें, मैं लक्ष्मण और आश्रमवासी मिलकर यज्ञ की रक्षा करेंगे। तुम सबकी जय हो राम, जय। जाओ मैं पूर्व विषय क्यों बने, ठीक है आप।
साथियों को शीघ्र से शीघ्र मुक्त कर दिया जाए। कौलाश, तुम यहाँ प्रणाम करने आए हो या आदेश देने? तुम्हारी सेना नायक हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं या आश्रम में चाहे कोई व्यक्ति हो या स्वयं राजा ही क्यों ना हो, वो अपनी सेना, अपने शस्त्र और अपना वाहन सब कुछ सिंह द्वार के बाहर ही छोड़कर अंदर आता है, और तुमने सारी मर्यादाओं को तोड़ते सीधे पर ऐसा ही प्रचार है। और हाँ, मैं इस विषय पर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता। कहाँ है मेरा पुत्र? मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरा पुत्र? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है? तुम्हारे पुत्र को उसके जघन अक्षम्य कुकृत्यों के देव से मृत्यु दंड मिल चुका है। मृत्यु दंड? मेरे पुत्र कौलाश को मृत्यु दंड? किसकी इच्छा से हुआ है न्याय? मैं पूछता हूं किसकी इच्छा से हुआ है न्याय? कौलाश, न्याय किसी की इच्छा से नहीं होता, न्याय सत्य पर आधारित होता है। राजकुमार, कदाचित तुम भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो कि अयोध्या की सेना यहाँ से बहुत दूर है और मैं यहाँ का सेना नायक हूँ। मेरी आज्ञा के बिना किसी का न्याय करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? बताओ, किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? बहुलाश, अधिकार उसी का होता है जो न्याय कर सके। और सुनो बहुलाश, राम कभी सेना लेकर नहीं चलता। राम जहां जाता है सामान्य जन ही उसकी सेना बन जाती है। और मात्र अपराधियों को दंड देने से न्याय पूर्ण नहीं होता, अपितु अपराधियों की रक्षा करने वाले को दंडित किया जाना यह न्याय के अंतर्गत आता है। तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है बहुराष्ट्र, तुम्हें तो कोई कठिन दंड मिलना चाहिए। किंतु दयावश मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं, मुझे तुम्हारा भी न्याय करना होगा। मेरा न्याय? मेरा न्याय करोगे? मृत्यु दंड दोगे मुझे? देखता हूं किसमें इतना साहस है जो मुझे मृत्यु दंड दे सके। तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे? मैं तो तुम्हें अबे का आश्रम था। परंतु गुरुदेव, किस आश्रम पर ऐसा क्या हुआ कि अपनी आध्यात्मिक विभूति से ही उजाड़ बनकर रह गया? इसकी एक पुरानी कथा है। बात उस समय की है जब गौतम के आश्रम और मिथिला के ज्ञान को मान्यता मिली। 7 दिनों के महासम्मेलन का आयोजन था। अभ्यागत ऋषि, मनीषी, ब्रह्मचारी, मिथिला के सम्राट शीरध्वज और इंद्र जैसे लोग उस सभा में आमंत्रित थे। पुत्र, शक्ति और महिमा के दृश्य से इंद्र को मुख्य अतिथि बनाया गया। इंद्र के स्वागत के लिए आश्रम को विशेष रूप से अलंकृत किया गया। यहां तक कि आश्रम के नियम के सर्वथा विरुद्ध इंद्र के लिए मदिरा की व्यवस्था की गई। मदिरा?
गुरुदेव, ये तो अत्यंत दुखद और शोचनीय प्रसंग है। हाँ राम, आर्य संस्कृति के मूलभूत स्रोत देव जातियों ने अपने वैभव से विक्षिप्त और मदांध होकर अपने पतन का मार्ग स्वयं चुन लिया। विलासता के कारण अनेक बार अनेक युद्धों में उनको पराजित भी होना पड़ा। गुरुदेव, फिर लोग चलते हीनों का सम्मान क्यों करते हैं और साधारण जन को क्या कहें, जब ऋषि मनीषी ज्ञानी सत्ता शक्ति समृद्धि से विभूत होकर ऐसे चरित्रहीनों का सम्मान करते हैं। तुमने सत्य कहा, बस ये ऋषि कर्म नहीं है, परंतु ऋषि भी तो मनुष्य ही है। मानवीय दुर्बलताओं से शून्य नहीं हो सकते। राम, आगे की कथा क्या करो, कहने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा हूं। परंतु गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ था? देव दानव युद्ध में एक बार इंद्र गौतम के आश्रम आए। वो गौतम से युद्ध में सहायता चाहते थे। गौतम ने उनकी सहायता भी की, लेकिन भोग विलास में आत्यंतिक आग्रह रखने वाले इंद्र ने अवसर पाकर गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया। उस दिन के बाद से इस आश्रम की अपकीर्ति दिनों दिन फैलने लगी और जनमानस धीरे धीरे इससे दूर होने लगा। इसीलिए यह आश्रम आज उजाड़ बन के रह गया। और माता अहिल्या, उनका क्या हुआ गुरुदेव? इंद्र के दुराचार का दंड भोग रही है। क्यों, वो क्यों भोग रही? पाप कोई और करे और दंड कोई और भुगते। युगों युगों से स्त्री जाति पर तरह तरह के अंकुश लगाने के बाद भी ये पुरुष संतुष्ट नहीं हुआ। और गुरुदेव, आज जैसे ऋषि मुनि इस प्रकार के अन्याय को देखकर चुप क्यों रहे? तुमने सत्य कहा, बस सत्य कहा। हमें इतना साहस नहीं था कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हो सके। मैं भी अहिल्या का अपराधी हूं, बस मैं भी अहिल्या का। गुरुदेव, हम माता अहिल्या के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ राम, आओ बस आओ। Ah.
कल्याण के लिए जागृत करिए मां, जागृत करिए। नहीं राम, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है राम। युगों की लंबी प्रतीक्षा और चलावे की अग्नि ने मुझे पत्थर बना दिया है राम। मां, उसी छल को शराब की पश्चाताप के आंसुओं से आपने धो दिया है। अब इस पत्थर से प्रेम की गंगा का निर्मल सोता बहने दीजिए मां। आपकी पवित्र मुस्कान पूरे वातावरण को पवित्र कर देगी। और एक बात बता दूंगा, जितेंद्र ने आपको छला है वो देवताओं का राजा भी होकर उसका पूजन मात्र प्रतीकात्मक रह गया। हर व्यक्ति उसे अहंकारी के रूप में जाने लगा। गौतम ऋषि ने आपको श्राप देकर स्वयं को पुरुषत्व के अहंकार में भस्म कर दिया है। भविष्य अहिल्या के त्याग को स्मरण करेगा मां, गौतम ऋषि के श्राप को नहीं, इंद्र और चंद्र की दुष्टता को नहीं। मां उठो मां, ये जागने का समय है, नारी के जागृत का समय है। नारी कल्याण के लिए तुम्हें जागना ही होगा मां। उठो मां, उठो, ये जागने का समय, उठो मां, उठो। राम, मेरी तपस्या पूर्ण हुई राम, मेरी साधना सफल हुई। आज तुमने स्वयं आकर मुझे एक नया जीवन दिया है राम। मेरे दुविधाग्रस्त मन को यह विश्वास दिला दिया
जिन्होंने आपके साथ अपराध किया, और आपको वचन देता हूं कि जब कभी भी इंद्र से साक्षात्कार हुआ उसके कर्मों का दंड उसे वश करूंगा। तुम मेरी अपेक्षाओं से भी परे हो, तुम मेरी अपेक्षाओं से भी परे हो। देवी अहिल्या, तुम्हें कौशल्या नंदन राम का संरक्षण प्राप्त है। अब कोई भी जड़ चिंतक ऋषि मनीषी पुरोहित तुम्हें सामाजिक और नैतिक रूप से बहिष्कृत नहीं कर पाएगा, बहिष्कृत नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जय हो राम, तुम्हारी जय। विश्राम कर नहीं गुरुदेव, यह अवसर तो जीवन में कभी कभी तो ही मिलता है शिष्य को। राम, तुम दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। गुरुदेव, जब प्रातः में अयोध्या लौट जाना चाहिए। अयोध्या तो अभी नहीं लौटना है पुत्र, परंतु सिद्धाश्रम से तो निकलना है। तो आप हमें कहां जाएंगे गुरुदेव? बताता हूं, सब बताता हूं। तुम दोनों को अयोध्या से लाने का उद्देश्य मां ताड़का सुबाहु मारीच पर ही नहीं था, अभी कुछ बड़े उद्देश्य शेष बाकी है। भविष्य में होने वाले बड़े रुद्र के सारे सूत्र जोड़ देना चाहता हूं। कौशल और मिथिला का एक सूत्र में बदना बहुत आवश्यक है। कल मिथिला चलने की तैयारी जो आते हैं। Thank you.
शीघ्र अति शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य का विध्वंस कर दूंगा। जब धनुष टूट गया तो किसी ने तोड़ा ही होगा, इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आई क्या? मूर्ख, कौन है तू जो मुझसे इस तरह से संभाषण कर रहा है? प्रभु, ये अयोध्या के महान प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जो भी हो, परंतु वह जीवित नहीं बचेगा। अच्छा, आपको कैसे मालूम ईश्वर? आप पे भविष्य वक्ता है क्या? उत्तंड बालक, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। शांत ईश्वर, ये क्रोध किस लिए? राम, तुमने देखा नहीं, तुम्हारा भाई लक्ष्मण कितनी अशिष्टता से बातें कर रहा है। क्षमा करें ईश्वर, परंतु शिष्टता तो आपने भी नहीं की। तुम भी कुछ कम धूत नहीं हो रहा। संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरा नाम परशुराम है। सहस्त्रों बार मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है। हम सब जानते हैं विभु श्रेष्ठ, हम सब जानते हैं कि आपने सहस्त्र अर्जुन जैसे जन विरोधी दुष्ट को मारकर आपने अन्याय का दमन किया। आपने इस युग के दुष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर सामान्य जन को धर्म युद्ध का नया भार दिया। आप जैसे पुराने क्रांतिकारियों का हम सम्मान करते हैं, परंतु ईश्वर, क्रांतिकारिता और रूढ़िवादिता साथ साथ नहीं चलती। आप कितने अहंकारी और रूढ़िवादी हो गए हैं, ये कभी सोचा आपने? आपने तो सतत प्रयत्नशीलता का मूल्य तो पहचाना ही नहीं, इसलिए अपने शेष कर्तव्यों को छोड़कर आप महेंद्रगिरी पर्वत पर जा बैठे। इसलिए आज जन विरोधी राजनीति पशुबल धन की शक्तियां राक्षसी रूप में अभिव्यक्ति पा रही, प्रजा का धन लूट कर सोने की लंका बन रही है। ऋषिवर, नारियों का अपहरण, नारी पुरुष के संबंधों की पार्श्विक शक्तियां संचालित हो रही। आप मुझे क्षमा करें ऋषिवर, ये सब मुझे अनचाहे में कहना पड़ा। राम, तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, मेरी क्रांति दृष्टि अब पुरानी पड़ चुकी है। क्रांति तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है राम, तुम्हारा कहना उचित है। न्याय शत्रु सदैव एक ही रूप में नहीं आता, हमें अत्याचार के नए रूप को पहचानना होगा। राम, तुमने क्षत्रिय होकर इस शिव धनुष को तोड़ा, धनुष अब किसी भी काम का नहीं, मात्र शोभा की वस्तु थी। तुमने अच्छा किया राम, तुमने अच्छा किया, तुमने मेरे दंभ को तोड़ दिया राम। पुत्र राम, सब कुछ जानने के पश्चात मेरा जड़ मन तुम्हारी परीक्षा लिए बिना नहीं माना। बोलो, प्रस्तुत हो? आज्ञा दे ऋषिवर। राम, ये मेरा वैष्णवी पुरुष, यदि तुमने शंकर चाप फोन किया है तो इसके संचालन में तुम्हें तरीक नहीं पाता ना, इसे बाण का संहार करो राम, मेरी शंका का समाधान हो जाए। यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये भी संभव होगा। ईश्वर, यदि आप कहें तो इसका भी विस्फोट कर दूं? नहीं नहीं राम, नहीं, मैं आश्वस्त हुआ पुत्र, मैं आश्वस्त हुआ। तुम समर्थ हो राम, तुम समर्थ हो, तुम अन्याय के दमन की दीक्षा ग्रहण कर चुके हो। तुम राम नहीं, तुम श्री राम हो। युग युगांतर तक तुम्हारी गाथा यशस्वी रहेगी पुत्र, यशस्वी रहेगी। जनक, पुत्री सीता का धूमधाम से विवाह करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम सभी के साथ।
प्रस्तुति दर्पण गोरखपुर द्वारा नाटक दीक्षा की, जिसके निर्देशक थे आलोक चैटर्जी सर। मैं चाहूँगी कि सात्विका कला केंद्र के बच्चे एवं दर्पण गोरखपुर की सभी कलाकार मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत करें। विश्वामित्र की भूमिका में थे मानवेंद्र त्रिपाठी। मैं आप सभी से इन कलाकारों का परिचय करवाना चाहूंगी। राम की भूमिका में थे आलोक सिंह। लक्ष्मण की भूमिका में थे मनीष चौरसिया। बहुलाश की भूमिका में थे नवनीत जायसवाल। अजानु बाहु एवं परशुराम की भूमिका में थे सुमित सिंह। सुकंठ की भूमिका में थे राज मौर्य। पुनर्वसु एवं अन्य की भूमिका में थे विमलेंदु उपाध्याय। हल्या एवं अन्य की भूमिका में थे सोमनाथ शर्मा। बुधन एवं अन्य की भूमिका में थे हर्षित वर्मा। वशिष्ठ की भूमिका में थे रविंद्र रंगधर। दशरथ की भूमिका में थे शरद श्रीवास्तव। सुमंत एवं अन्य की भूमिका में थे समरेश मिश्र। विश्व बंधु की भूमिका में थे प्रशांत उपाध्याय। अहिल्या एवं अन्य की भूमिका में थी आकांक्षा। जनक की भूमिका में थे विजय सिंह। सीता एवं अन्य की भूमिका में थी ऋतिका सिंह। मंच परे जो कलाकार थे, रंग दीपन में थे नवनीत जायसवाल। मंच सज्जा की भूमिका में थे विमलेंदु व हर्षित। रूप सज्जा की भूमिका में थे राधेश्याम। रंग दीपन में नवनीत जायसवाल के साथ थे रमन कुमार। वस्त्र विन्यास की जिन्होंने दिया, उनका नाम था रीना जायसवाल, वस्त्र विन्यास। संगीत निर्देशन में थे नीरज खुशवाहा जी। प्रस्तुति के नियंत्रक थे रविंद्र रंगधर। पखावज पर थे दिनेश प्रसाद जी। सितार पर मनोज कुमार जी। पार्श्व गायन में थे पिंटू प्रीतम जी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये प्रस्तुति थी दर्पण गोरखपुर की, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे रविशंकर खरे जी। उपन्यास था नरेंद्र कोहली जी का और नाट्य रूपांतरण व सह निर्देशन किया था मानवेंद्र त्रिपाठी जी ने। इस नाटक के निर्देशक यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए, आलोक चैटर्जी सर, हम चाहते हैं हमारी ढेरों शुभकामनाएं आप तक पहुँचे। मैं सात्विका कला केंद्र के बच्चों का भी आपसे परिचय करवाना चाहूँगी, जिन्होंने रामकथा की प्रस्तुति की थी। शुरू करते हैं वहाँ से, प्रिया त्रिपाठी, पूजा वर्मा, वैभव कुमार, लक्ष्य त्यागी, अंजलि अय्यर, टियारा त्रिपाठी, शालिनी सिंह और मैं आयुषी त्रिपाठी। अब मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि कृपया मंच पर आएं और आकर हमारे
कलाकारों के साथ तस्वीर भी खिंचवाएं और हमारे मानवेंद्र त्रिपाठी जी जो सह निर्देशक हैं उनको शील्ड प्रस्तुत की जाए एवं रवि खरे जी को शॉल से सम्मानित किया जाए। कृपया करके सर, प्लीज सर, गोखले सर, अवतार साहनी सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। संस्कार भारती के माननीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले सर जी से मैं इस नाटक की प्रस्तुतकर्ता रविशंकर खरे जी को शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करना चाहूंगी। हाँ जी, मैं चाहूंगी कि हमारी अपस्टेज ग्रुप की अध्यक्षा शील्ड मानवेंद्र त्रिपाठी जी को जे और उनको नाटक दीक्षा के लिए दर्पण गोरखपुर की टीम के लिए हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगी कि हमारे अपस्टेज की सचिव जो टीम मेंबर्स के लिए सर्टिफिकेट्स हैं राम जी को दे। धन्यवाद। सर, मैं आपको माइक देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप दो शब्द प्रस्तुति के बारे में भी बोलें और फिर आपको। मैं अब स्टेज ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे बाबा जी मनी योगेंद्र जी के जो कि 7 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किया और एक हफ्ते का कार्यक्रम कर रहे हैं उनके जन्मतिथि पे, हम सब पूरे संस्कार भारती की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। साथ ही हम अपने कलाकारों का जो कि गोरखपुर से आए और इस ठंड में जिस तरह से उन्होंने इस खुले मंच पे कार्यक्रम किया है, यह बहुत ही साहसिक कदम था उनका इस नाट्य क्षेत्र में और इसके लिए हम सब बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं कि इस कड़क ठंड में भी उन्होंने अपने अपने नाट्य धर्मिता निभाई पूरी अच्छी तरह से। अब मैं आदरणीय गोखले जी से कहूँगा कि दो शब्द अपने आशीर्वाद के। ये नाट्य महोत्सव जिनके नाम से हो रहा है उनको कला ऋषि इस नाम से सभी जानते थे, विशेषतः कला जगत में, कला क्षेत्र में वो कला ऋषि इस नाम से ही जीवन भर परिचित रहे और एक ऋषि के भांति समस्त कला जगत को अपनी दृष्टि का बोध कराते हुए स्वयं के आचरण से भारतीय कला जगत को और संस्कार भारती परिवार को समृद्ध करने का कार्य बाबा योगेंद्र जी ने किया और एक तरह से हम सभी को दीक्षित किया, जिसका दर्शन आज दीक्षा नाटक से सभी को हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस अर्थ में भी ये नाट्य समारोह सफल है। आज के सभी प्रस्तुति करने वाले कलाकार और नृत्यकार सभी को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार। मैं चाहूंगी कि हम सभी कलाकार एक साथ आए और एक तो चित्र बनता है हमारे मुख्य अतिथियों के साथ। कृपया करके सब बच्चों आगे आगे बैठ जाओ। लेट्स क्लिक अ पिक्चर फॉर इंस्टाग्राम। That's a necessity.